संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना पर आई, जिसको लेकर इंडिया में है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य में राजनीतिक हलचल और भी तेज होती जा रही है। चुनाव से पहले एक बार फिर जिन्ना का राग छेड़ा गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और उन पर जिन्ना समर्थक होने का आरोप लगाया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश पर जिन्ना के नाम से निशाना न साधा गया हो। सवाल है कि यूपी चुनाव में हर बार जिन्ना वाला राग क्यों छेड़ा जाता है? कब तक जिन्ना और पाकिस्तान के नाम पर चुनावी माहौल बनाया जाएगा? इन सब पर अपने मेहमानों से करेंगे बात, लेंगे उनकी राय और करेंगे एक स्वस्थ बहस। उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ा है। एक बार फिर चुनाव से पहले जिन्ना का जिन बोतल से बाहर निकल आया। नेताओं की बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। वो जिन्ना के उपासक है, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब अखिलेश पर जिन्ना के नाम पर निशाना साधा गया हो। इसके पहले भी सीएम योगी से लेकर तमाम बीजेपी नेता जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे हैं। दरअसल एक चुनाव प्रचार के दौरान सपा अध्यक्ष ने जिन्ना को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद से विधानसभा चुनाव में जिन्ना की एंट्री हुई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। देखिए, योगी जी नफरत की राजनीति करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं। 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी बताने के लिए उनके पास काम नहीं है। आज छात्रों पे लाठी चार्ज हो रही है, शिक्षकों पे लाठी चार्ज हो रही है, पिछड़ों का आरक्षण खाया जा रहा है, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन योगी जी मस्त हैं, वो हिंदू मुसलमान बंटवारे की ही बात करें। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी चुनाव से पहले जिन्ना का जिक्र किया। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव तक हिंदू मुस्लिम जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा, जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना चाहिए। वो 2.5 महीने के पैरोल पे उत्तर प्रदेश में सरकारी मेहमान हैं। वो 2.5 महीने यहाँ पे रहेंगे। हिंदू मुस्लिम जिन्ना 2.5 महीने वो सरकारी मेहमान है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पे रहेंगे। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। जब चुनाव हो जाएगा 5-7 दिन यहाँ पर रुकेंगे, अपनी मिलाई विलाई लेकर फिर यहाँ से जाएंगे। वो इनका मुद्दा रहेगा, वो इनके एजेंडे में है। और उसको सरकार बदल रही है, उसके बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होगा। आपके जनता बहुत समझदार है, स्टार्ट नहीं हो मुद्दा होगा। यूपी चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और बीजेपी को वो मुद्दा मिल गया जिसकी बदौलत वो किसी भी चुनाव का रुख अपनी ओर मोड़ने की महारत रखती है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान ने बीजेपी को वो मौका दिया। अब देखना ये होगा कि अखिलेश का वो बयान उनके गले की भांस बनता है या नहीं, और बीजेपी जिन्ना के सहारे चुनावी समर में कितनी मजबूत हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, जिन्ना का जिन बार बार बोतल से निकलकर ऊपर आ जाता है। और आप किसान नेता राकेश टिकैत को सुन रहे थे कि पैरोल पर आए हुए हैं। आखिर मैं शुभेंदु अवस्थी जी, जो आज बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में हमारी इस बहस में आए, उनसे पूछूंगा कि पैरोल पे कौन आया है, कौन इनका प्रवचन कर रहा है, जिन्ना क्यों आ जाते हैं, और इसके साथ साथ आखिर राकेश टिकैत
हमला किस पर कर रहे हैं। जी हाँ, इन सब पर करेंगे बात। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल है, पैनल में जी हाँ बुद्धिजीवी मेहमान हैं, हमारे साथ स्कॉलर हैं, जी हाँ आपके चिर परिचित चेहरे, जी हाँ स्वामी चक्रपाणी महाराज, जिनको आप लगातार देखते सुनते आए होंगे, और स्वामी जी के पीछे खुद दो तलवारें ऐसी लगी हुई हैं। तो स्वामी जी आपकी जुबानी धार, जी हाँ तेज तर्रार वाणी को लोग सुनेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जी हाँ अतीकुर रहमान साहब बड़ी विद्वता के साथ अपनी बात रखते हैं। अतीक साहब आपका स्वागत है हमारे साथ आरएलडी। जी हाँ आरएलडी की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर पहले मुजफ्फरनगर में चल रही थी, ऐसी रेखा जी हमारे साथ है, रेखा चौधरी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जो इन दिनों सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। आज डॉक्टर अभिषेक राय, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आज आपके सिर पर टोपी दिख रही है, लेकिन आपके नेता ने एक नया नारा दिया जो अब से कुछ ही देर पहले दिया है। मुझे विश्वास है कि शायद अगर आप वो नहीं सुन पाए हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं अभी आपको उसी खबर के साथ शुरू करूंगा और आप ही से पहला सवाल लूंगा। जी हां डॉक्टर अभिषेक राय, सबसे पहला सवाल आपसे, आपके सुप्रीमो ने कहा है लाल टोपी के साथ साथ मेरे पास लाल पोटली भी है, अब नारा चलेगा लाल पोटली भी साथ चलेगी, आखिर उस पोटली में क्या क्या है? क्योंकि बोतल में जिन्ना तो है यह साफ है, इसी को लेकर बहस है, इसीलिए मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर रहे हैं, आप किसके उपासक हैं, हम किसके पुजारी हैं, आखिर ये जिन्ना का जिन बंद करिए। बहुत अच्छी बात है, संवाददाता सम्मेलन में यह भी साफ हुआ कि अब आप लोग गन्ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये बार बार जिन्ना का जिन लाकर सियासत में एक नया पहलू और पाकिस्तान की एंट्री क्यों करवाते हैं आप लोग? जी ने कहा, उन्होंने बताया कि हम लाल टोपी और लाल पोटली लेके चल रहे हैं। लाल पोटली उस अन्न है उसमें भरा हुआ, और वो जो हमने अन्न संकल्प लिया है वो उसको संबोधित करता है। जो किसान, जो 700 किसान शहीद हो गए, 378 दिन जो वो बैठे रहे और ना उनकी कोई सुनवाई होती थी ना कोई बात होती थी, तीन काले कानून बने, और चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हर मौसम में वो बैठे रहे और 700 किसान वहां पर शहीद हो गए। उसके बाद इस सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब लगा कि चुनाव का डर आ गया तो तीन काले कानून वापस ले लिए, जो कानून उन्होंने बिना बहस के संसद में पारित कराए थे और उसे वापस उसी तरीके से बिना बहस के उन्होंने वापस ले लिए। तो ये जनता सब जानती है, हमारा संकल्प किसानों के साथ है, हमारा संकल्प युवाओं के साथ है, हमारा संकल्प बेरोजगारों के साथ है, हमारा संकल्प महिलाओं के साथ है, हमारा संकल्प 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है कि हम उत्तर प्रदेश को एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, किसानों को जो महंगी बिजली मिल रही है उससे निजात दिलाएंगे, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे, 300 यूनिट घरेलू बिजली और किसानों को बिजली मुफ्त देने जा रहे हैं। तो ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं। हम इस पे कहते हैं ना, हमने हवा में बातें नहीं करते, हम जुमलों पे बातें नहीं करते, जो कह रहे हैं उसे करके दिखाएंगे। जी आप हवा में बात नहीं करते डॉक्टर राय, आप जुमलों पे बात नहीं करते, लेकिन पड़ोसी को जरूर खींच लाते हैं। जी आप पाकिस्तान हो या चीन, इसका हवाला और जिक्र कहीं ना कहीं सियासत में दिखाई देता है। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आपके नेता, आपके सुप्रीमो चीन को दुश्मन नंबर वन बताते हैं, पाकिस्तान के लिए सहानुभूति होती है। मैं आऊंगा इस पे डॉक्टर राय, मैं आऊंगा, लर्नेड डॉक्टर, लर्नेड डॉक्टर, आई विल कम बैक टू यू। मुझे पता है आप जब हड्डी पसली आदमी तोड़कर आता है तो उसको जोड़ने का काम करते हैं, मेरे भी सवालों को लेकर आप जरूर कुछ ना कुछ अपनी तुकबंदी के साथ चीजें आप अपने तरीके से पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, शुभेंदु अवस्थी जी, राकेश टिकैत ने अभी जो कहा मेरे समझ नहीं आया कि आखिर वो किसे कह रहे हैं, कौन प्रवचन कर रहा है, हिंदू मुसलमान पैरोल पर कौन आ जाता है, 2.5 महीने तक रहेंगे, 6-7 दिन बाद अपनी अदायगी लेकर चले जाएंगे, ये कौन है, कौन कर रहा है प्रवचन, कहां से आ रहे हैं हिंदू मुसलमान? देखिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ तो टिकैत साहब कह रहे हैं कि जिस पार्टी को जो लोग चाहे उसको वोट दे, उसके बीच में हवन करते करते बातचीत भी कर लेते हैं जयंत सिन्हा जी से, और जयंत जी के साथ जब बात हो जाती है तब वो कहते हैं भैया जिसको चाहो उसको वोट दो, ये सब दिखाने के लिए है। हमको मालूम है किस लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था, किनके कहने पे किया था, और कौन लोग हैं ये सब,
इसलिए हमसे प्रश्न ना पूछा जाए, उनकी बातों से, उनकी जवाब से, उनकी स्टाइल से, उनकी वर्किंग से समझ में आ जाता है। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, कौन आया है जिन्ना को लेके? आप कह रहे हो पैरोल पे आए हैं, हम तो ये कह रहे हैं आपने उनको इन्वाइट किया है। आप ही ने तो बताया हमको कि भैया वो भी पढ़े लिखे थे, उनका भी काम था स्वतंत्रता दिलाने में। जिन्ना का काम स्वतंत्रता दिलाने में नहीं, देश के बंटवारे में था। और जिस दिन समाजवादी लोग इस चीज को समझ जाएंगे, न लाल टोपी पहनने की जरूरत होगी, न लाल पोटली पहनने की जरूरत होगी, जनता उनको अवस्थी जी जाएगी। अवस्थी जी आपको एक मिनट के लिए रुकूंगा। लाल पोटली का उल्लेख अखिलेश ने किस लिए किया था? लाल टोपी की बात तो सब जानते हैं, लाल पोटली कहां से आई पहले ये सुनते हैं, फिर स्वामी चक्रपाणी जी के पास चलते हैं। लाल पोटली, हेलो डॉक्टर राय, हम अखिलेश की लाल पोटली वाले बयान को पहले सुनवाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी के पास भी जाना है। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं। लाल टोपी और लाल पोटली, ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। जी अखिलेश, जिस लाल पोटली का जिक्र कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, ये जनता है जो पोथी पुराण सब जानती है। बजट भी आने वाला है और चुनाव में जनता ये जानती है, हिसाब भी करेगी और किताब में लिख भी देगी किसने क्या किया और जेब में पोटली आखिर थी या नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने मेहमानों की ओर। स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी जी पाकिस्तान कसाब याकूब मेमन तालिबान, इसकी एंट्री यूपी चुनाव में। जी हां, नेता कह रहे हैं कि अगर कसाब जिंदा होते तो स्टार प्रचारक हो जाते, जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से आखिर कैसे करे इनकार। स्वामी जी देखिए मनीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव आते निश्चित रूप से कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जिस प्रकार से जो अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा के इस्लामिक आतंकवादी की सोच के लोग हैं, उनको टिकट जिस प्रकार से दिया जाता है, अपराधियों को टिकट दिया जाता है, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को जाया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से इस देश, ये देश जो है किस प्रकार से आजाद दिलाया गया सब जानता है, लेकिन निश्चित रूप से उसी में जिन्ना एक सोच है जो जिन्ना ने देश को हमारा विभाजन कराया। और लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश में आज भी जेएनयू में जिन्ना की अभी भी तस्वीर लगी हुई है। उसके लिए कितनी बार राजनीतिक बाजी हुई, एक दूसरे की बयानबाजी हुए, हम लोगों ने प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति जी तक और मुख्यमंत्री तक हर जगह ज्ञापन दिए कम से कम जेएनयू का हटा दिया जाए। लेकिन उस समय तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्वामी जी बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वहां पे अभी भी जेएनयू में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, वहां पे अभी भी जिन्ना के जो है फोटो तस्वीर लगे हुए हैं। उस पे कितनी उसको हटाने को लेकर के विवाद हुआ, लेकिन प्रदेश की मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन हटता नहीं। लेकिन चुनाव होते ही, चुनाव जैसे ही आता है, बड़ा दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए कि जिन्ना निश्चित रूप से आ जाता है। लेकिन जिन्नावादी सोच इस देश में नहीं होने चाहिए। ये देश को क्रांतिकारियों ने बड़े अपनी सरदार भगत सिंह, सुखदेव आजाद और राजगुरु ने मिलकर के किस प्रकार से आजाद कराया था, और उसमें कहीं ना कहीं जिन्नावादी सोच और अभी भी इस प्रकार की लोग विचारधारा वाले लोग हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा और ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए निश्चित रूप से जिन्नावादी सोच को भी समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जिन्ना एकमात्र चित्र नहीं है, वो बल्कि एक चरित्र है जो देश की विभाजन को कराता है। तो इस तरह की सोच या इस तरह की चरित्र महिमा मंडन है, ये महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ है। अतीक साहब, जनाब अतीकुर रहमान साहब, मेरा सवाल आपसे, मुद्दों पर हावी जिन्ना, पाकिस्तान, तालिबान, याकूब मेमन, अजमल कसाब, हैरानी होती है अतीक साहब? जी मनीष जी, देखिए जहां तक ये जिन्ना साहब का सवाल है, क्योंकि मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन स्टडीज का स्टूडेंट रहा हूं और मेरी कीन थॉट और इसके ऊपर मेरा काम रहा है, रिसर्च रही है मोहम्मद अली जिन्ना, इनके लाइफ एंड टाइम्स के ऊपर।
तो मैं आपके पैनल को, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन्ना साहब सिर्फ जिम्मेदार नहीं थे पार्टीशन के, जिन्ना साहब के ऊपर पार्टीशन थोपा गया था। यही जो अलगाववादी विचारधारा है, यही जो जिन्नावादी सोच है, अकीबुर रहमान एक विद्वान है, एक बहुत ही विद्वान स्कॉलर है वो है, और इस तरह की बातें करते हैं, उनको साहब बोल रहे हैं, उनको जिम्मेदार नहीं मानते देश विभाजन का, पूरी दुनिया वो मानती है कि जिन्ना देश विभाजन के जिम्मेदार है। स्वामी जी वो आदरणीय है। स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ये बहस हो रही है, जी हाँ, कोरोना काल चल रहा है तो इसमें एक व्यक्ति एक समय बोले, एक पैनलिस्ट एक समय बोले, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपको लाखों करोड़ों दर्शक ललायत है आप लोगों के विचार सुनने के लिए। न्यूज इंडिया का सवाल कार्यक्रम चल रहा है तो आप सवालों को सुनकर अपना जवाब तैयार रख सकते हैं, लेकिन अतीक साहब आप अपना जवाब पूरा करें। तो मैं रेखा चौधरी जी के पास भी जाना है और स्वामी जी के कुछ जवाब होंगे उन पर, उनके पास भी चलूंगा। अतीक साहब जी धन्यवाद। देखिए अभी जो पोर्ट्रेट की बात हुई कि जिन्ना साहब का पोर्ट्रेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, आप उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं यहां बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जिन्ना साहब के लिए एक एथिक्स इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ नाम का हर साल एक पेपर होता है, प्रेजेंट होता है, क्या आप उसको भी खत्म कर देंगे? आप वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए मरीज जी, प्रैक्टिस एथिक्स इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ, ये नाम का आज भी पर्चा प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर बहस होती है, चर्चा होती है, कॉन्फ्रेंस होती है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर, बार काउंसिल के अंदर। आप पोर्ट्रेट हटाने की बात कर रहे हैं, आप हिस्ट्री को किस किस तरह से मिटाएंगे? क्या आपकी एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स जो है ये हमारे देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है? जिन्ना साहब फादर ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले सन ऑफ इंडिया थे, आप इस हिस्ट्री को मिटा नहीं पाएंगे, उनका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है देश की आजादी में। मनीष जी ये हमको जानना जरूरी है। हाँ, इसके लिए अगर उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए उनके अगर पोर्ट्रेट का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन के अंदर, तो ये दर्शाता है कि हमारी राजनीति किस तरह से दलदल में घुसती चली जा रही है। आज के मुद्दे कम से कम जिन्ना साहब और पाकिस्तान और कसाब और ये तो नहीं होनी चाहिए ना मनीष अभिष्टी जी? आज का युवा नौकरी मांग रहा है आपसे, उसको जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए जिन्ना साहब हमेशा हमेशा एक हिस्टोरिकल फिगर रहेंगे और उसका एकेडमिक इंपॉर्टेंस आप नलीफाई नहीं कर पाएंगे। एकेडमिक इंपॉर्टेंस नलीफाई नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट का आपने जिक्र किया, एथिक्स इन प्रैक्टिस ऑफ लॉ एक पेपर हर साल पढ़ा जाता है, उस पर चर्चा होती है। अतीक साहब मैं आपके पास आऊंगा, रेखा चौधरी जी, जी हाँ, आरएलडी की प्रवक्ता है रेखा जी। रेखा जी, जिन्ना और गन्ना को लेकर बात होती थी, सरकार कहती थी कि जिन्ना को लेकर बात होती है, गन्ने की नहीं होती, लेकिन अब से कुछ देर पहले, जी हाँ, जिनका गठबंधन आपके साथ हुआ है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने गन्ने पर ही बात की, किसानों पर ही बात की, एमएसपी पर बात की, काला कानून पर बात की, आखिर अब जिन्ना का मुद्दा मुझे ऐसा लगता है बैक बर्नर हो गया। जी मनीष जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि व्यक्ति विशेष पर चर्चा क्यों, जब चुनावी समय है, जब हमारी जनता को जानने का हक है कि पिछले 5 वर्षों में जो सरकार रही सत्ता में, उसने क्या क्या काम विकास के किए, कौन कौन से काम ऐसे अधूरे रह गए। सरकार को यह मानना चाहिए कि ये काम हम नहीं कर पाए, इन्हें आगे करेंगे, या ये काम करने का हमने वायदा किया था लेकिन हम नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। उन विकास के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है। किसान 13 महीने सड़क पर बैठा रहा, कड़कड़ाती सर्दी में, चिलचिलाती धूप में, वहां खुले टेंटों में पड़ा रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं है। आंकड़े आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों के, तो महिला पर जो अत्याचार हुए हैं, महिलाओं के साथ जो केस हुए हैं, उनमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। हमारे युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज स्कूल खोले, ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच नहीं पाई। कोविड के टाइम में गांव के लोग सुविधाओं के लिए
तड़प तड़प कर उन्होंने अपनी जान दे दी। रेखा जी अपने दरवाजों पर, रेखा जी कोई चर्चा नहीं। रेखा जी आपकी चिंता, चर्चा जी शुभेंदु जी आप कुछ कह रहे हैं। मनीष जी एक मिनट। रेखा जी जी रेखा जी को बात पूरी कर लेने देते हैं शुभेंदु जी। मनीष जी मैं चाहती हूँ, हमारा जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का, वो विकास के लिए हुआ है, वो मुद्दों पर हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी दोनों युवा हैं, शिक्षित हैं, वो युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, वो इस प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। यहाँ पिछली सरकार में क्या हुआ है कि अगर आप डेमोक्रेसी के तहत आप एक एजिटेशन कर रहे हैं तो आप पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, आप पर लाठीचार्ज कराया जाता है, आपको खून से लथपथ कर दिया जाता है। कौन सी सरकार है ये? निरंकुश सरकार है ये? आप डिक्टेटर बन गए हैं। रेखा जी, रेखा जी, शुभेंदु अवस्थी, शुभेंदु आपके आपके सवालों पर जवाब देना चाहते हैं। शुभेंदु जी एक छोटा सा जवाब, फिर मुझे ब्रेक लेना है। रेखा जी मेरे को समझ में नहीं आता कि चार चार साल में, दो दो साल में या पांच पांच साल में आपकी विचारधाराएं बदल कैसे जाती हैं। यही अजीत जी, अजीत चौधरी जी, सुनिए तो, यही अजीत चौधरी जी के हजारों वीडियो हैं। रेखा जी सुना करो, रेखा जी सुनिए पहले, यही अजीत जी के इतने सारे वीडियो हैं जिसमें वो कहते कहते नहीं रो पड़ रहे हैं कि सपा ने किस तरीके से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश को खराब कर दिया। आज चार साल में क्या हो गया, सपा ने क्या कर दिया कि आप उनके साथ खड़े हो गए और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? ये है आपकी मानसिकता कि जहां पर फायदा होगा वहां पर आप खड़े होंगे। 2013-14 के अजीत जो आप जिन्होंने इस आपकी पार्टी बनाई, जो जयंत चौधरी के पिता है उनके सब वीडियो देख लीजिए। जयंत चौधरी जी के पिताजी के वीडियो, चरण सिंह जी ने जितना कहा, अरे यार मैं तो यही कह रहा हूँ, उन्हीं के वीडियो देख लीजिए, वो सपा को क्या कह रहे थे जब मुजफ्फरनगर में पार्टी उतने कार्य कर नहीं पाई। शुभेंदु जी जब मुजफ्फरनगर में आग लगी थी, सुनिए आपके पास जब 5 वर्षों में कोई काम नहीं, अरे मैं आप नोट करिए तो मैं लिखवाना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे तक मैं आपको मैं चैनल पे जी बीजेपी के नेताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया। अरे सुनिए छोड़िए, वो तो समय बताएगा अभी चुनाव के बाद। मैं रेखा जी कह रहा हूँ आप लिखना चालू करिए, 2 घंटे तक आपको पेन हिलाने की मौका नहीं मिलेगा, मैं लिखवाना चालू करूंगा कम से कम 100 पॉइंट। शुभेंदु जी आखिर आपकी नो एंट्री क्यों हो गई गाँव से? अरे तब तो बताएंगे ना, अभी आपको चुनाव में पता चल जाएगा। जो आपने एक साल पहले नाटक चालू किया था, जो आप लोगों ने एक साल पहले का नाटक चालू किया था, उसका रिपोर्ट कार्ड 10 मार्च को आ जाएगा। हमें जो चाहिए, आपने जवाब नहीं दिया मेरे प्रश्न का। आपने मेरे प्रश्न का राजनीति आप सिर्फ करते हैं। देखा जी आपने मेरे टाइम पर, आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए, एक लाइन में, केवल एक लाइन में जवाब दे दीजिए कि अजीत जी जो सपा को बहुत विरोधी कहते थे, ऐसा क्या हुआ कि आज जैन जी अखिलेश यादव की गोदी में बैठ गए? आप जवाब नहीं दोगे, मैं जानता हूँ कि आप जवाब नहीं दोगे। आप जवाब दो ना हमारी विचारधारा। अरे आप जवाब ही नहीं दोगे। रेखा जी शुभेंदु जी कौन किसकी साइकिल पर सवार हो जाता है, कौन किसकी गोद में बैठ जाता है? पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर्स। रेखा जी मुद्दों पर समझौता हुआ, रेखा जी मुद्दों पर समझौता हुआ लेकिन जिन्ना और पाकिस्तान पर नहीं हुआ था, ये मतदाता बखूबी जानता है। जी हाँ, मेरे लिए वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और मेहमानों से चर्चा करेंगे, आखिर तुष्टिकरण की पराकाष्ठा कर कौन रहा है? ब्रेक के बाद। जी हाँ, ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल, पैनल में हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपके टीवी स्क्रीन पर जाना पहचाना चेहरा स्वामी चक्रवाणी जी महाराज, जी हाँ आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हिंदू सभा के। हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, इस्लामिक स्कॉलर, जी हाँ जिन्होंने अभी बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जिन्ना के नाम पर, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एथिकल प्रैक्टिस इन लॉ, इसको लेकर चर्चा हर साल होती है। अतीकुर रहमान साहब आपके पास भी आऊंगा, और हमारे साथ रेखा चौधरी जी आरएलडी की प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी इंडिया का सवाल में डॉक्टर राय आखिर ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा की जरूरत क्या है?
बात हो रही है नेहरू और पटेल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो पुजारी हैं जिन्होंने मां भारती की सेवा की, आप तो उनके उपासक हैं जो पाकिस्तान के संस्थापक रहे, योगी जी कह रहे हैं। देखिए मनीष जी, मैं बहुत सीधी सी बात अभी बताना चाहता हूँ। अभी मैं शुभेंद्र जी को सुन रहा था, अभी हमारी रेखा बहन पे बहुत सारे आरोप लगा रहे थे कि अजीत चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में बात कर रहे थे। तो साहब, चौधरी साहब की बात करने से पहले अपने गिराबान में जा के देखे थे किसने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ गठबंधन किया, किसने सरकार बनाई, सत्ता की लालच थी कि नहीं थी। अभी आप देख लें उत्तर प्रदेश में, देख लें आप, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल प्रभु श्री राम आस्था के लिए प्रतीक है। शुभेंदु जी, मैं भी आपके बीच में नहीं बोल रहा, प्लीज सुन लें कि प्रभु श्री राम आस्था के प्रतीक हर हिंदू के लिए, और किसी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बीजेपी से तो लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जितने बड़े ये हिंदू उतने बड़े हम भी हिंदू। तो जिसने प्रभु श्री राम के जन्म पे गाली दी उसके साथ ये गठबंधन करते हैं, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके साथ मंच साझा करते हैं। उससे बड़ा मजाक आप देखिए, प्रभु हनुमान की जाति बताने का काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री। कौन आज तक इस, मैंने तो बिरले इस दुनिया में नहीं देखा होगा जो प्रभुओं की जाति बताने लग जाए, प्रभु तो सबके थे। तो ये काम भारतीय जनता करने पार्टी करने वाली इस तरह की बातें ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कहते हैं ना कि मैंने बोला ना कि अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। दूसरी बात, अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैं इनकी बात कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, उन्होंने सीडीएस जनरल रावत शहीद और ऑनरेरी सीडीएस जनरल रावत ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में उन्होंने कहा था, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं पाकिस्तान चले जाए बिरयानी। डॉक्टर राय, डॉक्टर राय, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। डॉक्टर राय, मुझे पता है आप पूरे रिसर्च के साथ बैठते हैं डिबेट पर, लेकिन शहीद मनीष जी कंप्लीट कर लेते हैं, मुझे 10 सेकंड कंप्लीट, मैं आपका सवाल जरूर सुनूंगा। कर लीजिए फिर मैं आपका सवाल सुनूंगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ की मां को चादर उड़ाए तो साहब वो ठीक है, इनके बहुत बड़े संस्थापक नेता भारतीय जनता पार्टी को जमीन से उठाने वाले नेता जब जिन्ना की मजार पे आंसू बहा के आए तो ये इनके लिए सब सही है। जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो जाते, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया उसका जवाब अब तक ये लोग नहीं दे पाए। उन शहीदों के साथ क्या होगा जो 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं, 378 दिन बॉर्डर पे यहाँ पे बैठे रहे। माननीय ना प्रधानमंत्री जी के पास समय था, ना माननीय गृह मंत्री जी के पास समय था, और आज भी अमित शाह जी वहां नहीं जा रहे। कहां जा रहे हैं? वोट मांगने, जहां गांव में घुस रहे हैं। आज राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट है माननीय रक्षा मंत्री जी का कि साहब वोट मत देना लेकिन कम से कम गांव में तो घुसने दो, ये क्या कहते हैं परंपरा नहीं रही है। तो डॉक्टर राय, मेरा सवाल शुभेंदु जी आऊंगा। डॉक्टर राय, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि आपके पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि शहीद सीडीएस बिपिन रावत, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए चीन दुश्मन नंबर वन है, आपने इसका हवाला दिया। चलिए मान लेते हैं कि शहीद बिपिन रावत साहब ने ये कहा था, एक तो सबसे पहली बात, प्रदेश के चुनाव में इसे घसीटा क्यों जाना चाहिए, और दूसरा आखिर अखिलेश यादव ने जिन्ना की याद या तुलना आजादी के उन वीर सपूतों, हमारे सिपाही, हमारे आजादी क्रांति के वो नामों के साथ जोड़कर अगर जिन्ना का नाम ले रहे हैं, इसी पर सरकार और विपक्ष आप पर हमला कर रहा है। मनीष जी मैं प्लीज जरूर थोड़ा सा समय चाहूंगा आपको, एकदम स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ, कहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूँ। अगर आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो भाषण देख लें, उन्होंने क्या कहा था कि जिन्ना जी भी उन चार बैरिस्टरों में से थे जिन्होंने देश की आजादी एक सेम स्कूल से पढ़ के आए, लेकिन एक ने देश को बांटने का काम किया, बाकी लोगों ने देश को जोड़ने का काम किया। पूरा भाषण जरूर सुनना जरूरी, कहते हैं सिलेक्टेड जर्नलिज्म। एक मिनट, पूरी बात, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ। अभी जैसे इन्होंने सीडीएस रावत साहब की बात करी, आपने देखा होगा उस पत्रकार ने पूरा इंटरव्यू देखे, उसमें क्या पूछा कि जनरल रावत ने क्या कहा। हमेशा हम ये कहते हैं, आप आज भी देख लें, आज मुद्दा क्या हो रहा है मनीष जी, आज हम लोग बहस किस बात पे कर रहे हैं? क्या आज हम महंगाई पे बहस कर रहे हैं? क्या हम बेरोजगारी पे बहस कर रहे हैं? क्या हम जनता जो इनके विधायकों को दौड़ा दौड़ा गांव से क्यों भगा रही है उस पर बात कर रहे हैं? क्यों राजनाथ सिंह जी को ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ रहा है? क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को गांव में नहीं घुसने दिया जाता, उन्हीं की विधानसभा में, और महिलाएं बंद करके क्या अपमानजनक शब्द कहती है? तो ये सबको पता है। आज इन मुद्दों पे ये नहीं करना चाहते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया।
जिनके पास बताने को सिर्फ हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान है, हर चुनाव से पहले ले आते हैं, बंगाल में भी ले आए थे, अब बंगाल में इनका खदेड़ा कर दिया बंगाल की जनता ने। शुभेंदु अवस्थी आपका जवाब, मुझे 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 स्वामी चक्रपाणी और अतीक साहब के पास भी जाना है। शुभेंदु जी, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप जो सपा के लोग हो ना, उनको तो वो हम लोग कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, इसलिए जिंदा ही दिखाई देगा या हरा ही दिखाई देगा। मैं बार बार कहता हूं कि जो आपको इस समय पर पूरा जो उत्तर प्रदेश की एक एक जनता है वो योगी जी के साथ खड़ी हुई है, और एक एक व्यक्ति जिसने 5 सालों में आपके जो आतंकवादी पैदा किए थे, जो आजकल जेल में भी है, जिनको टिकट भी दे दिया उनके लड़के को भी, और उस तरीके कितने गुंडाओं लोगों के, अब आप क्यों बोल रहे हो बीच में जब मैं नहीं बोल रहा था। मैं ये कह रहा हूं जनता ने देखा है, और आने वाली तारीख 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए जनता ने घर बंद कर दिए। यहां तो नोएडा में और बाकी शहरों में आपके लोग यदि लाल टोपी भी लगा देना तो घूम नहीं सकते बाजार में, लोग कहेंगे पता नहीं कौन लोग आ गए। इसलिए कम से कम आप ऐसी बातें टीवी चैनल पर अभिषेक जी ना बोलो, और माननीय राजनाथ जी और ऐसा लोगों का विषय लेके झूठ बोलने का काम आप मत करिए। और आपने तो सेंटेंस ही चेंज कर दिया, आपके अध्यक्ष ने क्या कहा था, आपके अध्यक्ष ने ये कहा था कि जो जिन्ना था उन्होंने देश को आजादी दिलाने में बड़ा काम किया, आपने सेंटेंस ही यहां आके बदल दिया। ऐसा बोलने में आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई जी? डॉक्टर राय, छोटा जवाब, मुझे स्वामी जी के पास जाना है। बिल्कुल मनीष जी, मैं कहता हूँ ना, बड़े सच सच को कोई पछाड़ नहीं सकता। शुभेंद्र जी जाके पूरा वीडियो देखेगा, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, तो सुन लीजिए। नहीं देखा है? देखिए आप, देखिए सुन लीजिए। शुभेंद्र जी शांत, एकदम शांत रहिए। क्यों शांत रहे आप? खुद बोलोगे यहाँ पे चैनल पे, क्यों झूठ बोलोगे आप चैनल पे? हम मान लेंगे, आप कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे। क्यों आप सब झूठ? ये तो टेस्टेड प्रूफ है अभिषेक जी, टेस्टेड प्रूफ है, टेस्टेड प्रूफ है ये। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाली बात कर रहे हो आप, तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाली बात कर रहे हो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे ये तो फैक्ट है भैया, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है भैया। आप तो गुंडे हो, किसी को भी झापड़ मार लोगे, आप लोग तो गुंडे हो, किसी पे कभी झापड़ मार सकते हो साहब। अरे सुन लो, अरे अरे सुनने क्या है, जनता जानती है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था तो सफाई में डांस कर रहे थे आप लोग, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था तो सफाई में डांस कर रहे थे। ये तो जनता जान चुकी है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अभिषेक राय जी कर रहे थे जब लखीमपुर में, अरे साहब मैं तो वही कह रहा हूँ कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा किसानों को। अरे तो आप क्या कर रहे, अब आप किसान किसान कर रहे हो भैया, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, समय बता देगा। एक लाल टोपी पहन के किसी शहर में चले जाना, जैसे लोगों का एक लाल टोपी पहन के लाल पुतली लेके चले जाना, जुमले वाले हो। अरे सुन लो भैया, ठीक है, समय बताएगा, जुमला जानते ना जाते हो, पूरे भी पूरे जवाब दे रही है, देखेगी ना का बिल माफ करेंगे तो आपके भाजपा को, आपके अभिषेक जी आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अभिषेक राय जी, जनता जवाब देगी शुभेंदु जी, अभिषेक राय जी, लेकिन आपकी राय से जनता सहमत होगी या नहीं? जी हाँ, इसका बही खाता 10 मार्च को सामने आएगा। स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी जी हिंदू मुसलमान नफरत की सियासत, यूपी चुनाव की लड़ाई, जिन्ना होते हुए पाकिस्तान पर आई, कसाब आया, याकूब मेमन आया, और न जाने क्या क्या। देखिए मनीष जी, स्वाभाविक रूप से है कि देखिए जब एक नकारात्मक सोच के लोग जब रहेंगे तो स्वाभाविक है कि उस पे बवंडर मचता है। सवाल इस बात, देखिए हम तो स्वामी जी कौन है नकारात्मक, कौन है स्वामी जी नकारात्मक, कौन है? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, अतीकुर रहमान साहब बैठे हैं, आप अभी देखिए बयान में क्या बोल रहे थे कि हमारे लिए जिन्ना तो हिस्टोरिकल व्यक्ति है। सवाल यह है कि इनके लिए तो औरंगजेब भी हिस्टोरिकल है, इनके लिए मीर वाकी भी हिस्टोरिकल है जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने तमाम मुगल को हिस्टोरिकल मानते हैं, तो आखिर जब हिस्टोरिकल है तो खलनायक कौन है? इतिहास का खलनायक कौन है? देश का गद्दार कौन है? और देश का खलनायक कौन है? देश का खलनायक तो वो होगा ना जो देश को तोड़ने का काम किया। अब जिन्ना इनके लिए हिस्टोरिकल व्यक्ति है, तो सवाल ये है कि जब कहीं ना कहीं जब इसको मिक्स करेंगे तो विस्फोट होता है। इस तरह की विचारधारा अब अतकुर रहमान एक स्कॉलर व्यक्ति है, इनको स्पष्ट करना चाहिए कि जिन्ना ने देश को तोड़ा, जिन्ना देश का खलनायक है, जिन्ना से हमें सबक लेना चाहिए। पीसीआर अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब और स्वामी चक्रपाणी जी को एक फ्रेम में लाया जाए।
तो इस तरह की चीजें, जब इस तरह की विचारधारा जब एक स्कॉलर व्यक्ति देता है तो स्वाभाविक रूप से माना जाए कि इस तरह की विचारधारा के लोग हैं। तो जब हैं तो संघर्ष तो होना ही है ना, तो संघर्ष तो होगा ही, वैचारिक मतभेद होगा ही। तो इसलिए हमारी तो मानना यह है, बड़ी सीधी सी बात है, कि औरंगजेब हो या जिन्ना हो या मीर बाकी, इस तरह के चाहे मुगल कोई भी, जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति और हमारे धर्म पे हमला किया ये और हमारे देश को तोड़ने का काम किया, ये तो देश के खलनायक है। हम रावण और राम को एक साथ थोड़े जोड़ देंगे, तो इसलिए ये तो रावण से भी कहे कुछ, रावण तो राष्ट्रभक्त था, ये जिन्ना तो देश को तोड़ने वाला है। तो लेकिन स्कॉलर के नाम पे आप बैठ करके कि मुस्लिम स्कॉलर है और जिन्ना को आप एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे, कहीं ना कहीं आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये पाकिस्तानी विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं अलगाववादी विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं जिन्ना की वही मानसिकता वाली विचारधारा है। तो स्वाभाविक रूप से ये निश्चित रूप से संघर्ष होता रहेगा, इन सब विचारधाराओं के खिलाफ हमेशा होते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में तस्वीर को हटाए जाने की बात की जानी चाहिए, हमें तो लगता है कि अभी सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आगे आके बोलना चाहिए कि कौन सरकार में आएगा तो कौन हटाएगा। स्वामी जी वक्त खत्म हो जाएगा साहब, वक्त खत्म हो जाएगा, जवाब सुन लीजिए। अतीक साहब आपके जवाब के पहले, अगर आप टीवी देख रहे हैं और इस समय आप इंडिया का सवाल में शिरकत कर रहे हैं, अतीक साहब अगर आप टीवी फ्रेम देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, तो आप एक चीज पर गौर करें कि स्वामी चक्रपाणी जी के पीछे न केवल धार वाली तलवार है बल्कि ढाल भी है। अतीक साहब आपका जवाब। तलवार जी, मैं इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता हूं अवस्थी जी, चाहे तलवारें लगा लें चाहे तिरंगा लगा लें, हम सब तलवार धर्म की रक्षा को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और हमारी जिम्मेदारी ये रहती है। ये तलवार मुगलों की नहीं है, तलवार शिवाजी महाराणा प्रताप का है, ये देशभक्तों वाली तलवार है तुकुर रहमान जी, ये औरंगजेबों वाला नहीं है, ये मुगलों वाला नहीं है, ये मीर बाकी औरंगजेब का नहीं है जिन्होंने हिंदुओं के सर कत्लेआम किए। तो इसलिए तलवारों में भी बहुत अंतर है, एक धर्म के लिए उठता है और एक जिहाद अधर्म के लिए उठता है। तो इसलिए धर्म के लिए जो उठे वही तलवार सत्य होता है जी। अतीक साहब मनीष साहब, ये राम मनोहर लोहिया की किताब अगर पढ़ लें तो उसमें जिन्ना साहब को उन्होंने क्लीन चिट दी है, तो सबसे पहले अगर इल्जाम लगाना है स्वामी जी को, देखिए ये बीच में बोलना आपको स्वामी जी सोचा नहीं दे रहा है जी। राम मनोहर लोहिया के अनुसार अवस्थी जी, हर वो लीडर पार्टीशन के वक्त में पार्टीशन का जिम्मेदार था एक्सेप्ट दी महात्मा। अब आप राम मनोहर लोहिया को अगर कह लीजिए कि उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था पाकिस्तान या जिन्ना साहब के लिए, तो ये आपकी चॉइस हो सकती है। दूसरी बात, आपने तलवारों की बात की, तो आप ये हमेशा असफल रहे हैं ये साबित करने में कि हमारे पैगंबर मोहम्मद ने कभी तलवार उठाई हो अपने धर्म को प्रीच करने के लिए। हमारे मोहम्मद साहब के आड़ में कब तक, पैगंबर मोहम्मद साहब के आड़ में कब तक बचते रहोगे अतीकुर रहमान साहब, उनपे तो एक बुढ़िया कूड़े फेंकती थी ऐसा आप बोलते हो, और उन्होंने बुढ़िया से जाके उसका हाल चाल पूछा। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी बातों पे ये आपके जो मुस्लिम स्कॉलर है वो फतवा जारी करते रहते हैं, आपकी संस्थान फतवा जारी करती रहती है, क्या बातें कर रहे हो। मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब के आड़ में आप लोग अपने को छुपाते हो, लव जिहाद पूरे देश में आपके युवा करता है, उस पे एक बार भी फतवा जारी नहीं करते, इतने मंदिरों को तोड़ दिया मुगलों ने, एक बार भी उसकी निंदा नहीं करते, हजरत मोहम्मद को बीच में लाके उनके आड़ में बचने का काम करते हो। स्वामी जी आपके तमाम सवाल जो आप दाग रहे हैं उस पे अतीक साहब जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा अतीक साहब को सुनना जरूरी है, ये इंडिया का सवाल है स्वामी जी, इंडिया का सवाल है। लोकतांत्रिक तरीके से ये बहस होती है, आप लोगों ने शिरकत की है इस बहस में, आप लोग क्या कह रहे हैं, लाखों करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं। अतीक साहब आप अपनी बात रखें, तो रेखा जी पर मुझे जाना है जी। मनीष जी, कभी कभार स्वामी जी ये महसूस करने में गलती कर देते हैं कि ये कौन से चैनल पे बैठे हुए हैं, ये चिल्लम चिल्ली करके सिर्फ अपना प्रोपोगंडा जारी रखना चाहते हैं। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि आज का 21 जब गलत बात बोलते हैं तो पीपल है। आप टीवी पे बैठ करके स्वामी जी जिहाद करते हैं। स्वामी जी आग्रह है, मेरा आग्रह है आपसे, अतीक साहब आप अपनी बात रखें, क्योंकि मुझे आपको उचित समय देना है। यहाँ पर हर एक को उचित समय दिया जाता है क्योंकि आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। सोचे वही जो आप दिल से बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके, ये इंडिया का सवाल है। अतीक साहब,
धन्यवाद मनीष जी। यहाँ पर 21st सेंचुरी का युवा, 21st सेंचुरी का बूढ़ा, 21st सेंचुरी का हिंदुस्तान का बच्चा आज मांग कर रहा है आप सबसे कि वो रोजगार चाहता है, वो साइंटिफिक डेवलपमेंट चाहता है, वो साइंटिफिक टेम्परमेंट चाहता है। भाड़ में जाए हिंदू और मुसलमान, भाड़ में जाए इस्लाम और हिंदुत्व। आज गुस्सा दिला रहे हैं स्वामी जी मुझे, ये बात कंप्लीट नहीं इसलिए करने दे रहे क्योंकि ये प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। ये 21st सेंचुरी का डिमांड नहीं है स्वामी जी। आज का 21st सेंचुरी का युवा साइंटिफिक टेम्परमेंट चाहता है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको ड्यूटी दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है। कभी ड्यूटी की बात कर लिया करिए आप। ये क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप, देश को नुकसान कर रहे हैं आप। देशवासियों को कौन से दलदल में डालना चाहते हैं कि मेरी समझ के बाहर है मरीज जी। जी देखिए रोजगार सबको मिलना चाहिए, बिल्कुल युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। इसमें ये तो स्वाभाविक है कि हर सरकार को करना चाहिए, सरकार के कर्तव्य है। जो सरकार नहीं करती है उसके खिलाफ तो जनता आएगी। लेकिन सवाल है कि बेरोजगारों के आड़ में आप कब तक अपने को बचाते रहोगे? आपका भी तो राष्ट्र के प्रति कोई जिम्मेदार है, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। सुन ली, आप नहीं सुनेंगे आपकी बयानबाजी। अरे आपके लव जिहाद हो रहा है, आप क्यों नहीं इसके खिलाफ बोलते हैं? अरे हमारी हिंदी बेटियों को, हिंदी बेटियों को बोलते हैं लव जिहाद करके, क्यों नहीं बोलते? अरे ऐसे नहीं चलेगा, आप अपनी छोटी संकीर्ण मानसिकता छोड़िए, आप अपनी जिहाद वाले विचारधारा छोड़िए, आप रहमान जी अपने जिहादी मानसिकता को छोड़िए, किसी को इससे मुतमईन नहीं कर पाएंगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सुनिए बेरोजगार की सोच को, अरे सुनिए एक्सक्लूसिव थॉट बेरोजगारों की बात के रास्ते लेके जा रही है। सुनिए मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त अतीक साहब, स्वामी चक्रपाणी जी, जहां तक नकारात्मक सियासत की बात होती है, मैं अपनी बहस को जिया नकारात्मक ओर नहीं ले जाऊंगा। सकारात्मक चर्चा के लिए यहां बुलाया गया है आप सबको। मैं चाहूंगा कि दर्शकों का नुकसान ना हो, लाखों करोड़ों दर्शक आपको सुनने के लिए रोज इंतजार करते हैं स्वामी जी, रोज इंतजार करते हैं कि कोई बुद्धिमान प्रवक्ता आएगा और अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए अपनी पार्टी की विचारधारा को रखेगा जिससे समाज का उत्थान होगा। स्वामी जी आता हूं आपके पास, अतीक साहब आता हूं, शुभेंदु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मुझे रेखा जी के पास जाना है। अतीक जी मैं खाली एक ही चीज कहूंगा कि जिन्ना जी हो सकता है एक इतिहास के एक व्यक्ति रहे हो, पर इतिहास में वैसे भी बहुत सारे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए निगेटिव वर्क किया है। और आज पूरा भारतवर्ष यदि जिन्ना को एक निगेटिव दृष्टि से देखता है तो आप पब्लिक के बीच में क्या कहना चाहते हैं? बार बार आपने जिन्ना साहब और जिन्ना साहब ही कहा, आपने पूरे चैनल में पूरे समय तक केवल यही बताना चाहा कि जिन्ना साहब बहुत अच्छे थे। भाई पूरा का पूरा भारत यदि जिन्ना साहब को पसंद नहीं करता है तो आप क्या दर्शाना चाहते हैं यहाँ पे? और यही बात हम कहना चाहते हैं, यही भारत कहना चाहता है। और जहां तक आपने 21वीं शताब्दी की बात कही, आपके जितने भी जो आप इस तरीके के कॉलेजेस और इस तरीके के मुसलमान के ये जो एजुकेशन सेंटर चला रहे हो, उनको पढ़ाइए, लिखाइए और उनको बताइए कि हिंदुस्तान में भी कलाम ऐसे बहुत लोग। शुभेंदु जी एक छोटा जवाब बनता है अतीक साहब का, उसके बाद मुझे रेखा चौधरी जी के पास जाना है, कलाम मुझे बहस भी कलाम जी के आगे साहब लगाइए, समझ में आता है? अतीक साहब आपका जवाब। शुभेंदु जी देखिए, हम तो एकेडमिक गुलाम हैं, हम गुलामी करते हैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई की, एकेडमिक की बुक पढ़ के आए हैं। खुशवंत सिंह का नाम अगर आपने सुना होगा तो खुशवंत सिंह ने कहा है कि जिन्ना साहब को विलिफाई किया गया है हिंदुस्तान के अंदर, ना सिर्फ खुशवंत सिंह के ऊपर बात मत करिए तमाम। और खुशवंत जी बिफोर बिकमिंग द फादर ऑफ पाकिस्तान ही वॉज द सन ऑफ इंडिया, इस चीज को आप भुला नहीं सकते। खुशवंत सिंह जी और इन सब लोगों के विषय पर पूरा इतिहास की चर्चा नहीं करिए। अतीक साहब मुझे ऐसा लगता है मैलिस टुवर्ड्स नन इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रेखा चौधरी जी आपके गठबंधन के साथ, जी अब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और आपकी सुप्रीमो जब दोनों एक साथ आए तो किसानों को लेकर ही सारी बातों पर चर्चा हुई, यानी अब ये मान लेना चाहिए कि अब जिन्ना जो थे वो जिन्ना बोतल में बंद हो जाएंगे,
बोतल से बाहर नहीं आएंगे बचे हुए चुनाव प्रचार में। जी बिल्कुल, जिन्ना जी कभी भी हमारे एजेंडे में नहीं थे। मनीष जी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने अब से 4 महीने पहले से गांव-गांव में सामाजिक भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन चलाए। उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि सारी जातियां, न सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, सिख, बाकी जितने भी जातियां थी, वर्ग थे, सब उन सम्मेलन में आए और सबने अपना प्रतिनिधित्व उसमें दिया। इससे हुआ क्या, सबने आपस में बैठकर बातें की। जब बातें करते हैं चार जातियां, चार वर्ग के लोग, तो आपस में भाईचारा कायम होता है, एक दूसरे के सुख दुख बांटे जाते हैं। हमने चौपाल के रूप में वो कार्यक्रम किए, इससे हमने गांव-गांव में भाईचारा का संदेश दिया। हम कभी भी नकारात्मक राजनीति को महत्व नहीं देते हैं। हमने कभी अपनी आइडियोलॉजी से, विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। किसान हमारी प्रायोरिटी पर रहा हमेशा। किसानों के मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी हों या चौधरी अजीत सिंह जी या अब चौधरी जयंत सिंह जी, हमारे सारे ही लीडर्स ने प्रमुखता से किसान के मुद्दे उठाए, हम सत्ता में रहे हों या ना रहे हों। लेकिन हमने हमेशा किसानों की, कहीं भी कोई समस्या आई तो सबसे पहले जो आवाज उठाने का काम किया वो सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने किया। कहीं भी गरीब की, दलित की बेटी की आवाज हो, हाथरस में माननीय जयंत चौधरी जी ने डंडे तक खाए। आप सोचिए कि गृह मंत्री आज घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं, क्या काम होता है गृह मंत्री का? लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, उसको संभालना। लेकिन हाथरस कांड पर गृह मंत्री जी का एक बयान भी नहीं आया, क्या कार्रवाई की गृह मंत्री जी ने? अभी मैं आपको बता दूं, रिसेंटली कल कार्यक्रम था राजनाथ सिंह जी का बागपत के टटीरी में, लेकिन उसे कैंसिल करना पड़ा राजनाथ सिंह को। क्यों? क्योंकि वहां ग्राउंड पर रिपोर्ट आई LIO की कि आप वहां कार्यक्रम मत करिए वरना गांव वाले लोग आपको खदेड़ेंगे और आप एक राष्ट्रीय नेता हैं तो इसमें आपकी इंसल्ट होगी। आखिर आपने ऐसा क्या क्या कर रखा है कि जनता के मन में इतनी नफरत भर गई है आपके लिए? आप तो हिंदू हैं, फिर जनता के मन में आपके लिए इतनी नफरत क्यों? हमारे कर्म ये निश्चित करते हैं, डिसाइड करते हैं कि लोग हमारी आदर करें या ना करें। शुभेंदु जी, हम सिर्फ शुभेंदु जी के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, वो कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो नकारात्मक राजनीति करते हैं, क्योंकि वो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं और हम सम्मान की राजनीति करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दे हम आपको दर्द की राजनीति करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप जवाब सुन लीजिए, आपने जब इन्होंने किसान नहीं, शुभेंदु जी आप किसान के ऊपर से निकल ही नहीं पा रहे, जब रेखा जी आप सुनती नहीं है, मंत्री का आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। इंटेंशनली जब गाड़ी चढ़ा देता है एक मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर, तब आपकी जब हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी यहाँ दंगों में, जो परिवार सुनिए उनके, जब हजारों लोगों की दंगों में मृत्यु हो गई थी, तब कहाँ थे आप सब लोग जब रो रहे थे कि सपा वालों ने ये दंगा करवा दिया? रेखा जी तब कहाँ थे आप? नेताओं को जब लोग दंगे में मर रहे थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे में मर रहे थे, तब आप कहाँ थी? चाय पी रही थी क्या? माननीय जयंत चौधरी जी, अरे आपको माननीय जयंत चौधरी जी एक ही लाइन पे लगी हुई है, 10 कन्वेंस उन्होंने, अरे अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, अपने पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है, वो जयंत चौधरी नहीं बोलेंगी तो क्या आपकी पार्टी के नेताओं को कहेंगी वो? शुभेंदु जी रेखा जी मेरे प्रश्न का एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। डॉक्टर राय रेखा जी ने साफ कर दिया कि जिन्ना का मुद्दा बोतल में बंद है, मुद्दों पर समझौता हुआ था जिन्ना पर नहीं। डॉक्टर राय अब आपको भी बोतल में बंद कर देना चाहिए। हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है, हमारा मुद्दा किसान है। डॉक्टर अभिषेक राय, रोजगार को रोजगार देना है। बोतल में तो हम लोग भारतीय जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बंद करने जा रही है और इनको उसमें से जिंद निकलेगा 10 मार्च को बोतल में से ही, मत चिंता करें। अरे सुन लीजिए शुभेंदु जी, 10 मार्च को हम कह तो रहे हैं हम बिजली का बिल माफ करेंगे और भाजपा को साफ करेंगे, पोटली लेके आना, साफ होने जा रही। अरे सुन लीजिए, मैं कह तो रहा हूँ आपसे शुभेंदु जी, 10 मार्च को बात होगी आपसे, पश्चिम उत्तर प्रदेश का निकलेगा, कभी कभी बहुत बढ़िया से निकलेगा, कभी कभी सर्वे रिपोर्ट भी देख लिया करो, कभी कभी सर्वे रिपोर्ट भी देख लिया करो, जनता का सर्वे दिख रहा है आपके भाई को दौड़ा दौड़ा पीटा जा रहा है, नोएडा में किसी दिन मारा जा रहा है, उससे बड़ा जी होगा कभी जनार्दन ही सबसे, कभी किसी शहर में उत्तर प्रदेश के किसी शहर में लाल टोपी पहन के निकल जाएगा? पढ़े लिखे को फारसी क्या? सुन लीजिए शुभेंदु जी, आर कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या,
तो जनता आप तो फर्जी ही पढ़ोगे अभिषेक जी, आप तो फर्जी ही पढ़ोगे। कह तो रहे आप मुझे नहीं जानते, मैं 7-8 लाख में जैसे जानता हूँ शिवेंद्र जी। अरे हाँ, हम भी आपको जानते हैं, आप भी हमको जानते हो। डॉक्टर राय, आपकी विद्वत्ता पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने सवाल उठाया है। और आपने एक बात का और खुलासा कर दिया कि आप लिंग्विस्ट भी हैं, आप कम से कम 7-8 भाषाएं जानते हैं, आपने इसका भी खुलासा किया। इंडिया का सवाल में आज शुभेंदु अवस्थी जी, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ, अतिकुर रहमान साहब, रेखा चौधरी जी और डॉक्टर अभिषेक राय, आप लोग आए, आप लोगों ने अपने विचार रखे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते जी हाँ, जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि यूपी चुनाव में क्या गुल खिलाएगा, जिन्ना का जिन या गन्ना, 10 मार्च को पता चलेगा। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रमन ममगाई।